असलम गाई आई होप यू आर डेड आई विल डिस्कस यू अबाउट द शिफ़ा कॉलेज ऑफ मेडिसिन यानी कि शिफा तमीर मिलत यूनिवर्सिटी स्प्रिंग एडमिशन जो है ना 2023 ओपन हो चुके हैं फिकलिटी ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के डिग्रीज प्रोग्राम में तो इसमें जो है एडमिशन ओपन है 28 दिसंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है उससे पहले पहले जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कौन कौन से डिग्रीज प्रोग्राम है बी एस क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑनलाइन एडमिशन ऑफ़ एप्लीकेशन ठीक है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ़ एप्लीकेशन अट्ठाईस दिसंबर से पहले पहले आप अप्लाई कर अप्ला सकते हैं बी इंग्लिश प्रोग्राम ठीक है इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स इसमें भी जो ना ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं इसका एडमिशन टेस्ट टू जनवरी को कंडक्ट किया जाएगा टेस्ट विल बी कंडक्ट ऑनलाइन ठीक है इलेवंथ एम टू ट्वेल्थ पी ठीक है ऐसे ही जो ना इसका एडमिशन टेस्ट भी टू जनवरी को कंडक्ट किया जाएगा टेस्ट विल बी कंडक्ट ऑनलाइन टेन एम टू इलेवन ए एम ठीक है सेलेक्टिव कैंडिडेट मेरा लिस्ट जो 6 जनवरी को डिस्प्ले की जाएगी और इनकी जो सिलेक्टिव कैंडिडेट की मेरा लिस्ट है वो भी 6 जनवरी को ही डिस्प्ले की जाएगी एप्लीकेशन uh, इंस्ट्रक्शन जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी वाचर है वो 2300 है ठीक है uh, 13 जो है ना फरवरी से जो ना आपकी क्लासी जो है ना वो शुरू हो जाएंगी और इसकी जो प्रोसेसिंग फी है वो टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड है ठीक है ब्रांच ऑफ बी बैंक में आपने सबमिट करवानी है और इसकी जो प्रोसेसिंग फी है वो वन थाउजेंट है जो कि आपने ब्रांच ऑफ़ बी बैंक में ही सबमिट करवानी है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, हैं वो डॉक्यूमेंट सेम ही है जो कि रिक्वायर्ड है उसमें जो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड अटेस्टिड कॉपीज़ ठीक है अटेस्ट कॉपीज़ आपने अपलोड करनी है एडमिशन के वक्त ठीक है पासपोर्ट साइज़ पिक्चर सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिक का सर्टिफिकेट और एफ का सर्टिफिकेट और जो इसी पे किया है आपने जो भी वोल्चर आपने पे किया है फ़र्ज़ करें अगर आप कर आपने इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स Leng में अप्लाई किया तो वन थाउजेंड का जो वोल्चर है वो भी आपने अपलोड करना है अगर इसमें अप्लाई किया तो टू थाउजेंड ट्वेंट थ्री हंड्रेड का वो जो वोल्चर है आपने उसमें अप्लाई करना है अब एलिजिबल क्राइटेरिया भी दोनों के लिए सेम है फोर ईयर के दोनों डिग्री प्रोग्राम है एफ आपने की हो फिफ़्टी से अबव मार्क्स ठीक है और मिनिमम स्कोर ऑफ़ फिफ्टी परसेंट इन यूनिवर्सिटी टेस्ट ठीक है जो यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा उसमें भी आपके मिनिमम फिफ्टी से अबव स्कोर होना चाहिए उसके बाद करैक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो भी आपके पास होना चाहिए उसके बाद जो है ना इंटरनेशनल डिप्लोमा ऑन मेंटल हेल्थ ला ह्यूमन राइट्स एंड यूनिवर्सल हेल्थ जो है ना कवरेज इसमें जो है ना फिलिटी ऑफ सोशल साइंस

लॉ ह्यूमन राइट्स एंड हेल्थ केयर ठीक है मेरिट कैलकुलेशन इन इंटरव्यू हंड्रेड परसेंट आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है सब कुछ ठीक है ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है इंटरव्यू जो है वो छः जनवरी को हो होगा और जो कैंडिडेट की लिस्ट है वो नाइन जनवरी को लगेगी ठीक है ऐसे ही अगर पोस्ट मैगिस्ट्रल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एलिजिबल क्राइटेरिया जो वन ईयर प्रोग्राम है ठीक है एम ए एम एस सी बी एस ऑनलर विद मिनिमम सेकेंड डिवीजन और टू सी जी पी सब होनी चाहिए आपकी ठीक है मेरिट कैलकुलेशन जो होगी वो मैट मेरिट जो कैलकुलेशन होगी एफ एस ट्वेंटी परसेंट जो बी एस वगैरह वो फोर्टी परसेंट और जो असेसमेंट टेस्ट है या इंटरव्यू है वो फोर्टी परसेंट ठीक है उसके बाद जो ना ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है इंटरव्यू जो होगा वो फोर जनवरी या फाइव जनवरी की कोई भी डेट होगी आपके पास ठीक है जो लिस्ट लगेगी वो आपकी नाइन जनवरी को लगेगी प्रोसेसिंग फी जो दोनों के लिए वो टू थाउजेंड है ठीक है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ये हैं कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड अपलोड जो आपने डॉक्यूमेंट्स करने हैं वो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर ठीक है डिग्रीज़ आपने सारी जो है ना अपलोड करनी है और जो चालान फॉर्म की रसीद है वो आपने अपलोड करनी है ये एक दफ़ा आप पा लीजिएगा ठीक है ऐसे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर ठीक है मैट्रिक और एफ वगैरह के डॉक्यूमेंट्स और जो बी वगैरह जो ग्रेजुएशन आपने की है और रिसीव ठीक है ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल ये यह है यहीं से आप जो ना जाके अप्लाई कर सकते हैं ठीक है शिफा तमीर मिलत यूनिवर्सिटी ठीक है और इसमें जो है ना अट्ठाईस दिसंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है और उसके बाद जो ना जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो यहाँ से एक दफ़ा पा लीजिएगा आप आप अगर आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी करना चाहते हैं तो आप इनको ईमेल वगैरह या कांटेक्ट से जो है इनसे राबादा कर सकते हैं इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन आकूमेंट्स में पूछ सकते हैं इन शाला जल्द में इतने